मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूक्रेन से लौटे गोरखपुर के 16 मेडिकल के छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों से मुलाकात की और उनके सकुशल वापसी पर स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। विद्यार्थियों से संवाद करते हुए सीएम योगी ने कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से बच्चों की वापसी मोदी सरकार की संवेदनशीलता को व्यक्त करती है। यूक्रेन से नागरिकों और छात्रों को सुरक्षित लाने की यह सुविधा केवल भारत को ही मिली। शेष देशों, खासकर अफ्रीका देशों की सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया और वहां फंसे अपने नागरिकों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध शुरू होते ही बैठक की और यूक्रेन में फंसे नागरिकों को लाने की व्यवस्था के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया। इसके लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को भेजा और केंद्र व राज्य सरकार ने नोडल अधिकारियों की तैनाती की। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली में नोडल अधिकारियों की तैनाती की, यूपी भवन में ठहराया और बच्चों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने पर ही कार्य नहीं कर रही, अपितु उनके करियर को आगे बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इसे लेकर सरकार इंडियन मेडिकल रिसर्च के संपर्क में है। मुख्यमंत्री बुधवार को गोरखनाथ मंदिर के तिलक हॉल में बच्चों और उनके अभिभावकों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में उत्तर प्रदेश के 2290 छात्र रहते हैं, इनमें 2078 वापस आ चुके हैं। अकेले गोरखपुर में 74 में से 70 बच्चे वापस आ चुके हैं। 4 शेष बच्चों को भी लाने की व्यवस्था की जा रही है। इनमें से 2 बच्चे पोलैंड एयरपोर्ट पर भारत के एम्बेसी में हैं। 2 बच्चे यूक्रेन से पोल्टावा पहुंच चुके हैं, जल्द ही वह भी सकुशल पहुंच जाएंगे। युद्धग्रस्त क्षेत्र से बच्चों की सकुशल वापसी के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि यह सुविधा अन्य देशों के नागरिकों को नहीं मिल पाई। खासकर अफ्रीकन देश की सरकारों ने कोई संज्ञान ही नहीं लिया और फंसे लोगों को भगवान भरोसे ही छोड़ दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध शुरू होते ही बैठक की और केंद्र व राज्य सरकार ने नोडल अधिकारियों के जरिए यूक्रेन में फंसे नागरिकों की जानकारी जुटाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि युद्ध क्षेत्र से भारतीयों को सकुशल अपने देश वापस लाने में सफलता केंद्र सरकार की अंतर्राष्ट्रीय नीति की वजह से मिल सकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर विशेष रुचि दिखाई। इसके लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई, जिसमें जनरल वीके सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरण रिजिजू जैसे मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से रोमानिया, हंगरी और पोलैंड ने हमारे नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की। यूक्रेन और रूस ने भी सीज फायर किया ताकि भारत के नागरिक सुरक्षित निकल सकें। उन्होंने कहा कि आज भी दुनिया के अन्य देशों के लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके देशों की सरकारें अपने लोगों को वहां से निकालने में संवेदनशील नहीं है। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वह अपने पाठ्यक्रम से जुड़े रहें और इसे लेकर मानसिक मजबूती को बनाए रखें। ऐसा करके वह अपने करियर को विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ाने में सफल हो सकेंगे। यूक्रेन से सकुशल भारत आए मेडिकल छात्रों और उनके अभिभावकों ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने पूछा कि आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। बच्चों ने कहा, जो भी परेशानी हुई वह केवल यूक्रेन में थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई। मोदी जी की वजह से वह अपने देश सकुशल लौट सके हैं। दूतावास का भी बहुत सपोर्ट मिला। अभिभावकों ने कहा कि बच्चों के फंसे होने से काफी चिंता थी, लेकिन सरकार ने हमारे बच्चों को सकुशल घर पहुंचा दिया। कुछ अभिभावकों की मांग थी कि उनके बच्चों के आगे की पढ़ाई यहाँ पर व्यवस्था के लिए सरकार विचार करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के करियर को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार विचार कर रही है, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आप लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए, किसी तरह की घबराहट नहीं होनी चाहिए। मेडिकल छात्रों में प्रियांशी गुप्ता, रक्षा श्रीवास्तव, सौम्या राज, विपुल शुक्ल, हरिमोहन कुमार, हर्षिता कौशल उपाध्याय, आयुष द्विवेदी, चैनिका सिंह, काजल कश्यप, खुशी कश्यप, सृष्टि सिंह, पवन कुमार यादव, अमन कुमार दुबे, निखिल तिवारी, अखिलेश कुमार, निखिल दुबे से सीएम योगी मिले। बाहर से यूक्रेन से आप लोग आए हैं? एक और सर का परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सर, मैं प्रियांशी गुप्ता, ग्रीन सिटी कॉलोनी गोरखनाथ गोरखपुर से हूँ। मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ, टंडनपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी से। कब आए हैं वापस? मैं 4 मार्च में यहाँ पे पहुँच गई थी दिल्ली में। कोई समस्या तो नहीं हुई? जी नहीं, जो भी कुछ समस्या थी यूक्रेन में थी, लेकिन आप लोग ऐसी बात और इंडियन एम्बेसी के अंदर में आने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। आप किस रास्ते आए हैं? मैं स्लोवाकिया बॉर्डर से क्रॉस हुई। आप बताइए। मेरा नाम अक्षय श्रीवास्तव है, गोरखपुर जिले से हूँ। मैं थर्ड ईयर मेडिकल
कब आए हैं आप? हम सभी पांच को आए हैं। पांच को आए हैं जी। किस रास्ते आए हैं? हमारी बॉर्डर से। ठीक है सुंदर। मैं सौम्यराज मोहतीपुर की निवासी हूँ। मैं विनीता नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की फोर्थ ईयर की स्टूडेंट हूँ सर। और सर मैं 27 को मैंने फ्लाइट थी हमारी, 28 को मैं यहाँ पे पहुँची थी और मैं मोबाइल नंबर सर। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं थी? नहीं सर, कोई समस्या। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुश शुक्ला है और मैं नेशनल जॉब कोरेपुर का निवासी हूँ। सर मैं विनीता नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ और सर मैं रोहिंग्या बॉर्डर से आया हूँ और मेरी फ्लाइट सर फर्स्ट क्लास को लैंड हुई थी। नमस्ते सर, मेरा नाम विमल कुमार है, मैं साकेत नगर से हूँ। मैं वहाँ पे ओडिशा में पढ़ा था और मैं 3 मार्च को फ्लाइट यहाँ पर लैंड हुआ। मैं हंगरी बॉर्डर से आया हूँ, उत्तराखंड। राम सर, मैं हर्षदा कौशल उपाध्याय हूँ, मैं सूरजपुर कॉलोनी में रहती हूँ और मैं टर्पल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। कल आए हैं आप? ठीक है, तो कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं, बस जो भी पूरी जो समस्या हुई कोई नहीं थी, बाकी सब ठीक है। राम सर, मेरा नाम खुशी कौशल, मैं बुमायूं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मैं खारगी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर अंग्रेज की छात्रा हूँ। मैं रोमानिया बॉर्डर से क्रॉस हो गया हूँ। अब एडमिशन कब लिया? एडमिशन दिसंबर में हुआ था। दिसंबर में? नाम सर, मेरा नाम सृष्टि सिंह है और मैं बशारत के गोरखपुर में रहती हूँ और मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ इवानो कैंपस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की और मैं इंडिया 3 मार्च को आ गई थी। प्रणाम सर, मैं बहुत मर यादव हूँ, शक्ति अलग कॉलोनी हुआ। मैं इवान फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का थर्ड ईयर का स्टूडेंट, 2 मार्च को आया था। 2 मार्च को आया जी। प्रणाम सर, मेरा नाम अमन कुमार दुबे है और मैं यहाँ नंदानगर में रहता हूँ। मैं टेलोपे नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरी फ्लाइट यहाँ 4 मार्च में हो है। नमस्कार, मेरा नाम नितिन तिवारी है, मैं पाली बाजार गोरखपुर का निवासी हूँ। सर मैं बुको इंडियन मेडिकल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट मेडिकल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और सर मैं 4 मार्च का सलमान से। नमस्कार, मुकेश कुमार है, मैं जनरल सत्रकार के शाह फुटबॉल हूँ और मैं नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में चौथे ईयर का छात्र हूँ। तो मैं हंगरी बॉर्डर से फर्स्ट ईयर। नमस्कार, मेरा नाम निखिल दुबे है, मैं शाहपुर में रहता हूँ कमल नगर के पास और मैं हंगरी बॉर्डर से आया था। मैं इवानो कैंपस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और 3 तारीख को मैं जी शाहपुर से। प्रणाम सर, मेरा नाम संचित राज है, मैं सौम्य राज का भाई हूँ और मैं महत्वपूर्ण। प्रणाम सर, मैं विजय कुमार होता ऋषि प्रभुप सिंह। प्रणाम सर, कौशल कुमार उपाध्याय सूरजपुर। रामायण यादव, शक्ति नगर कॉलोनी गोरखपुर और इस कार्य के लिए सर आपको अत्यंत सरकार को कोट कोट प्रणाम, कोट कोट नमन, कोट कोट धन्यवाद। आप भी परेशान थे? बहुत परेशान थे सर, बहुत। ठीक है, अगली बात। परेशान थे आप भी? हाँ सर, बहुत परेशान थे, बहुत टेंशन था। लेकिन आप लोग काहे का टेंशन था? आप लोग इतना सहयोग किया, बहुत अच्छा था। वह लड़का अगर आर्मी में चला जाए, युद्ध हो जाए तो तब भी व्यक्ति करेगा क्या? युद्ध तो बोला था तो देश में नाम का बात है, जितना अच्छा खुश है ना। हाँ, ठीक है, सुनो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, मैं महापुर से राम नारायण, हमारे जो कार्यकर्ता सर चाह और आप लोगों के अथक प्रयास से बच्चे सुरक्षित अपने घर आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार सर, मैं रवि कुमार सिंह राजेंद्र नगर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। और जो सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को धन्यवाद। प्रणाम सर, मैं शशि तिवारी पानी बुझा गोरखपुर से हूँ और आपका और प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज आप हमें खबर से हम लोग बच्चों के साथ हैं। चले।